दोस्तों स्वागत करते हैं आज के इस वीडियो में। हम बात करने वाले हैं गाइस कि आप अपने फ़ोन में अपना फिंगर लॉक कैसे ऐड कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो में सिंपल सिंपल स्टेप है, आप फोन फॉलो करके आप अपने फ़ोन में अपना फिंगरप्रिंट लगा सकते हैं। तो गाइस वीडियो की जानकारी के लिए वीडियो लास्ट ज़रूर देखना। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने के लिए गाइस सबसे पहले हमें अपने फ़ोन की सेटिंग में जाना। सेटिंग में जाने के बाद आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है सिक्योरिटी, तो हम उस पर क्लिक कर देना हो। यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं स्क्रीन लॉक, फिंगरप्रिंट, फेस लॉक, स्मार्ट लॉक। तो गाइस हम अपने फ़ोन में अपना फिंगरप्रिंट लगाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें फिंगरप्रिंट पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर अपना ओल्ड पासवर्ड डाल देना है जो आपने पहले से डाल रखा है। इसे ओके कर देंगे यहाँ से और यहाँ पर आपको सेटअप का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो आप इसे सेटअप कर देंगे और यहाँ पर अपना फिंगर लगा देंगे पीछे। तो वह इस तरीके से अपना फिंगर लगाना है, रिमूव करना है, लगाना रिमूव करना है, कई बार लगाना और कई बार रिमूव करना है, जब तक कि हमारा पूरा फिंगर नहीं लगता जब तक हमें लगाना है रिमूव करना है। तो गाइस देखिए हमारा फिंगर जो है लग चुका है और हमें ऑप्शन देखने को मिल जाता है डन, तो हम इसे डन कर देते हैं। फिंगर बार यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाता है फिंगर बार। अगर आप अपना फिंगर यूज़ नहीं करना चाहते तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है ऐड फिंगर, जैसे कि आप अपने फ़ोन में दूसरे व्यक्ति का फिंगर लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ से दूसरे का भी फिंगर लगा सकते हैं अपने फ़ोन में। तो कहीं इस तरीके से आप अपने फ़ोन में अपना फिंगरप्रिंट ऐड कर सकते हैं। तो कहीं वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।